गाइज हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कायनात की दुनिया। आई डोंट नो व्हाई मैं दराज से मंगाती हूँ, ये फुल फेस एंड बॉडी की फाउंडेशन है। आई थिंक इट्स बाय नेचुरल ग्लो वाला इफेक्ट दे। गाइज हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात की दुनिया। आज काफी अरसे बाद मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें मतलब कि एक टॉक सेशन होगा मेरे साथ आप लोगों का वन ऑन वन, एंड जिसमें जो है वो मैं अपने मेकअप एसेंशियल्स दिखाऊंगी कि मैं अपने वैनिटी बॉक्स में क्या रखती हूँ, एंड मतलब बेसिक सामान दिखाने वाली हूँ, प्रॉपर बहुत कुछ नहीं दिखाने वाली, बट जो मेरा रेगुलर यूज में है वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा आपके साथ बातें करूंगी, तो ये वीडियो होने लगी है काफी इंटरेस्टिंग। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सो दैट्स वाई प्रोबेबली आपको थोड़ा सा डल लग रहा होगा। वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज फ्रॉम मैनी डेज फ्रॉम मतलब के बल्कि 2 मंथ से मैं कुछ अच्छी प्रॉपर वीडियो नहीं कंस्ट्रक्टिव बना पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज बिजी, बिकॉज मेरे भाई आए हुए थे बैक टू बैक, 2 भाई आए हुए थे, तो आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, बट नाउ आई एम बैक टू द बिजनेस। सो गाइज अब एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी जो है वो उसका भी रेवेन्यू आया करेगा, मतलब कि अगर आपने एक्टिव कर दिया, नहीं किया तो आई थिंक फेब्रुअरी तक ही लास्ट टाइम है, तो आप उसको एक्टिव कर दें, या पता नहीं डेट बताई थी, आई फॉरगॉट, मैंने तो एक्टिव करके छोड़ दिया है। अब वो रेवेन्यू कब स्टार्ट होगा, सो आई थिंक आना स्टार्ट हो गया है या नहीं, आई हैव टू चेक बिटवीन। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये भी कहना है कि अभी इंशाल्लाह और भी वीडियोज आएंगी बहुत अच्छी अच्छी, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी, आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किस बारे में किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ये है मेरा ईमेल। और यस गाइस डू सपोर्ट, न्यू क्रिएटर्स नीड योर सपोर्ट गाइस, एंड मैं मिक्स कंटेंट बना रही हूँ क्वाइट फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट यू गाइस एंजॉय मोर, मतलब कि व्लॉग्स के एक सर्टन लॉयल फैन बेस होती है, फिर चैलेंजेस वीडियोस की, एंड क्योंकि ये चैनल मेरे नाम पे है, सो आई डू अ मिक्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि मैं काफी सारे कंटेंट को मिक्स एंड मैच करके आपके लिए वीडियोस पोस्ट करती हूँ। सो दैट एवरी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस कैन गेट हैप्पी वॉचिंग माई वीडियोज, सो प्लीज सब्सक्राइबर्स जो है वो एफर्ट्स को जो है वो मतलब कि हमारे एफर्ट्स को नोटिस किया करें, हमें मोटिवेट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, एंड बिकॉज वी डू ट्राई, बिकॉज काफी ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, तो वो जैसे ही यूट्यूब पे आते हैं एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, मतलब कि अजीब अजीब कंटेंट बनाते हैं, बट स्टिल You guys watch them, but जो लोग अच्छा effort करते हैं videos में you should also support them. So guys, yes, और मुझे बताइएगा किस type की videos आप future में देखना पसंद करेंगे। तो guys, मैंने एक light मंगाई थी,
तो वो लाइट मैंने वो आ गई है दराज से, ये मैंने मंगाई थी, आई थिंक ये हांगकांग या चाइना से मैंने ये लाइट मंगाई थी, और इसके नीचे का उन्होंने नहीं दिया, मतलब चार्जिंग केबल है ये है, बट इसके जो नीचे का जो मतलब वो है ना स्टैंड वो नहीं है, तो अभी ये लाइट मेरे किसी काम की नहीं है, आई हैव टू फाइंड दिस, मतलब ये स्क्रू में जो लगेगा स्टिक वो स्टिक फाइंड करनी है मुझे, एंड आई विल शो यू हाउ इट इज, मतलब छोटी लाइट ले ली फिलहाल, बड़ी लाइट की मुझे जरूरत नहीं थी, स्टूडियो लाइट की, सो इट वर्क्स लाइक दिस, क्योंकि ये अभी चार्ज है तो ये भी काफी, इसमें RGB कलर्स आप देख सकते हैं काफी सारे हैं, तो काफी सारे कलर्स हैं इसमें, आई डोंट नो कि ये पिक्स वगैरह के लिए मैंने इसे लिया है, बट ये कितनी काम आएगी, देयर आर मोर ऑप्शंस एज वेल, एक वो वाला भी ऑप्शन है कि ये जलती बुझती रहती है, वो ऑप्शन अभी नहीं ऑन हो रहा, अच्छा मैं ये बंद कर रही हूँ बिकॉज कुछ नहीं नजर आ रहा इसकी वजह से, एंड गाइस फैन भी बंद है ताकि आवाज आप लोगों तक पहुंचे एंड बैकग्राउंड में कोई नॉइज भी ना आए, तो सो गाइस मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज भी है, दैट इज आई एम लॉन्चिंग माई मतलब के माई पेज, माई थ्रिफ्ट स्टोर पेज विच आई एम गोना स्टार्ट, एंड उसकी प्रॉपरली आप लोगों को मैं यहां कहीं उसका पेज यहां मतलब आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आपने जाके कर लेना है फॉलो पेज को, ठीक है, तो इट्स जस्ट फॉर स्टार्टिंग, मैं देखना चाहती हूँ कैसा वर्क करेगा कैसा नहीं, आई विल ट्राई टू पुट अप थिंग्स फॉर यू गाइज, सो दिस इज दैट। अच्छा अभी मैं कराची के लिए करूंगी कि ऑल सिटीज के लिए करूंगी, उसके लिए प्रॉपर वीडियो मैं करूंगी, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि मेरा पेज आने वाला है जिसपे मैं करने वाली हूं काफी चीजें आप लोगों को सेल मतलब बेचूंगी, और आप लोगों ने मेरा फुल सपोर्ट करना है, थ्रिफ्ट स्टोर होगा मेरा, और यस गाइज शो मतलब कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लव, सो आई कैन डू मोर फॉर यू गाइज एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि मेरे बिजनेस को भी एक बूस्ट मिलेगा, और सो ओके गाइज, तो मैं दिखाने लगी हूं आपको अपनी वैनिटी, हालांकि मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा मेकअप प्रॉपर करके वीडियोस में बैठना चाहिए कि यू लाइक इट कैजुअल भी, बिकॉज आई डोंट नो। तो गाइज ये वाला बॉक्स आजकल मैं यूज कर रही हूं अपने मेकअप के लिए, दिस इज द बॉक्स विच आई यूज, ये मैंने आई थिंक साइमा मॉल से लिया था, साइमा मॉल कराची से, और ये एक बड़ा सा बैग है मतलब कि मेकअप वैनिटी बॉक्स है, बैग बोल रही हूँ बॉक्स है, जो कि मैंने आई थिंक 1200 में लिया था, और ये सिर्फ काम चलाने के लिए है, मेरे पास बड़ा वाला जो 4-5000 का वैनिटी बॉक्स है वो भी है, बट मैंने कहा घरेलू मतलब कि रोज डेली की लाइफ के लिए मैं वो क्यों लू, सो आई हैव दिस थिंग, ओके गाइज, तो मैंने वो बड़ा वाला अभी फिलहाल यूज में नहीं रखा है, ऑल दो आई हैव वन वैनिटी प्रॉपर बड़ा वाला बॉक्स ब्लैक कलर का जिसपे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कस्टमराइज मैंने बनवाया था, वो भी आपको दिखाऊंगी किसी दिन, बट जो आजकल मैं डेली बॉक्स यूज कर रही हूँ फॉर माई मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट वो ये वाला बॉक्स है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके गाइज, सो बॉक्स मेरा मेरे साथ है, मैं अब आपको दिखाऊंगी, आई होप सो कि सही से दिखाऊं, वेट गाइज लेट मी अरेंज फॉर यू, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन, कि मैं कौन सी फाउंडेशन फेस पे लगाती हूं, सो आई यूज दिस फाउंडेशन,
तो इसका ऊपर का हमेशा मिट जाता है. आई डोंट नो व्हाई मैं दराज से मंगाती हूँ. ये फुल फेस एंड बॉडी की फाउंडेशन है. आई थिंक इट्स बाय एक और है उस पर शायद लिखा हो. हाँ मैक्स स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन है. ये फुल कवरेज वाली फाउंडेशन है. ये फुल फेस एंड नेक के लिए बॉडी के लिए फुल यही फाउंडेशन है. सो आई यूज दिस. मतलब कि अगर मैं ये यूज करती हूँ ना सो आई डोंट नीड कंसीलर. मतलब कि आई यूज दिस. मतलब मैं इसी को टैप टैप करके पूरे फेस पे पूरे नेक पे इसी को लगाती हूँ बिकॉज आई हैव ब्लैक स्पॉट्स. दीज आर माई बर्थ मार्क्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड. सो आई यूज दीज. सो येस देन आई हैव दिस ब्रश. ओके गाइज ये बॉबी ब्राउन का ब्रश है जो कि बहुत अच्छा है. एक फ्लफी सा ब्रश है. आई यूज दिस फॉर मोस्टली माई ब्लश ऑन. ये लिक्विड ब्लश के लिए नहीं यूज करती मैं. आई यूज दिस फॉर पाउडर ब्लश. ठीक है तो मोस्टली ये मैं पाउडर ब्लश के लिए यूज करती हूँ. समटाइम्स आई यूज दिस फॉर कॉन्टोर एज वेल समटाइम्स. बट आई हैव अनदर ब्रश फॉर कॉन्टोर. मतलब मेरे पास दूसरा ब्रश है कॉन्टोर के लिए. तो ओके नाउ आई विल शो यू समथिंग. डोंट जज मी गाइज. मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बट डोंट जज मी बिकॉज आई नो एवरीबडी कैन नॉट बी प्रिम एंड प्रॉपर. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मेकअप को बहुत अच्छा बहुत बॉक्स में बहुत ज्यादा मतलब उसकी सेफ्टी रखते हैं. आई नो फॉर बेसिक हाइजीन रीजंस बट समटाइम्स नहीं हो पाता. अच्छा अब मेरे ये जो दो ब्लशर पैलेट्स है एक हाइलाइटर पैलेट है एक ब्लशर पैलेट है बट इसके दोनों के ऊपर का जो वो है ना व्हाट डू यू कॉल ढक्कन वो टूट चुका है. सो आई एम यूजिंग देम लाइक दिस ओनली. तो ये है मेरा ब्लशर पैलेट जिसमें ये पांच किस्म के ब्लश ऑन के कलर्स हैं. दिस इज नॉट लिक्विड दिस इज पाउडर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट लिक्विड दिस इज पाउडर एज वेल. ये पांच तो मैंने एक ही जगह से आई डोंट नो रिमेम्बर द पेज बट हाइलाइटर एंड ब्लश ऑन. एंड अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं आईलिड्स पे भी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा कॉफ हो रही है तो मैं आईलिड्स पे भी यही हाइलाइटर ही लगा देती हूँ टू मेक देम लुक नाइस ऑन माई डेली बेसिस. मैं ज्यादा आई शेडो लगाना मुझे नहीं प्रॉपर तरीके से आता. सो आई यूज दिस हाइलाइटर एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस ऑन माई आईलिड्स. एंड जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं जब फाउंडेश्शन भी लगाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अपनी लिड्स पे भी लगाऊं बिकॉज ये भी ब्लैक जगह होती है. यहाँ पे भी हमें फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी आप लगाओ बट मेक श्योर कि आप लगाओ बिकॉज देसी है ना हम लोग. यहाँ पे भी हमारा ब्लैक होता है सो इवन आउट करने के लिए. ओके गाइज नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल मरमेड ब्रश. दिस मरमेड ब्रश वॉज brought to you by my brother. He lives in Canada. So he gave me this brush and और भी ब्रश दिए थे मैंने एक निकाल लिया इसमें से बिकॉज आई डोंट नीड मोर देन दैट. बहुत कम सामान है इसमें बिकॉज आई नीड इतना ओनली फॉर माई डेली यूज. तो ये मैं इससे कॉन्टोर करती हूँ. बहुत ज्यादा बड़े से नहीं करती इससे आई कॉन्टोर माई ब्रश. मतलब कि पाउडर कंटूर करती हूं. फॉर कंटूर आई यूज दिस. दिस इज क्रिस्टीन कंपनी जो है उसका जो है वो पाउडर. एक फुल फिनिश हो चुका है या टूट गया था आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट. मैं यही वाला कलर लाइट वाला कलर मोस्टली यूज करती हूं तो देख सकते हैं आप लोग. ये भी पाउडर फॉर्म में. अभी मैं फिलहाल पाउडर फॉर्म ही मोस्टली दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जैसे जैसे आ रहे हैं नो पर्टिक्यूलर ऑर्डर आई एम शोइंग यू गाइज. सो अच्छा ओके गाइज. सो रिसेंटली मतलब मेरे पास पहले भी था एक जमाने में बट रिसेंटली मुझे फिर से शौक हुआ बहुत ड्यूई मेकअप करने का. और ये और वो हाइलाइटर वो वाला तो बहुत अच्छा है जो पाउडर वाला है बट वो थोड़ा चंकी होता है. अगर आपको बिल्कुल ग्लोई फेस पे इफेक्ट चाहिए तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये आइकॉनिक का
ये इल्यूमिनेटर मंगाएं। इल्यूमिनेटर को आप हल्का सा फाउंडेशन में, मैंने देखा था ट्यूटोरियल्स में, मिक्स करके अगर आप अपने फेस पे लगाएं तो वो बहुत ज्यादा ग्लोई और बहुत ज्यादा आपको मतलब के नेचुरल ग्लो वाला इफेक्ट देगा। सो इल्यूमिनेटर गाइज, गोल्डन में भी आता है, पिंक में भी आता है, आई थिंक व्हाइट में भी आता है, सो चूज योर, पिक योर्स। ओके गाइज, सो इवन दो कि मैं बहुत ज्यादा ब्लश ऑन मतलब कि सॉरी आई शेडोज यूज नहीं करती, बट स्टिल आई हैव अ फ्यू पैलेट्स। ये सबसे छोटा वाला पैलेट मैंने लिया था चेज अप कराची से, बिकॉज ये मुझे बहुत ऐसा लगा कि बैग में आने लायक, फिट होने लायक, तो मैंने ये ले लिया था। इसमें ये प्यारे प्यारे कलर्स हैं एंड दो ब्लशेज हैं, एक दो आईब्रोज के लिए भी है एंड आई थिंक यू कैन यूज देम फॉर आई शेडो ऑल्सो, एंड तीन ग्लिटर्स भी है इसमें। सो दिस इज द वन। ओके, देन ये मैं डेली यूज नहीं करती हूं, बट ये मैंने फिर भी रखा हुआ अपने डेली बॉक्स में, बिकॉज सम डेज किसी के घर आप जाओ या सम डेज किसी पार्टी में, मतलब कि किसी गेट टुगेदर वगैरह में जाओ, सो आई कैन यूज ग्लिटर। सो दिस इज मिस रोज की ग्लिटर पैलेट, जिसमें से काफी मैंने उखाड़ उखाड़ के निकाल लिए थे पूरे के पूरे। तो आई हैव दिस ग्लिटर पैलेट बाय मिस रोज, ये भी मैं यूज कर लेती हूँ अपने आईलिड्स पर, जैसे कि थोड़ा सा हाइलाइटर का कलर लगाया, देन उसके ऊपर ये शिमर डाला, तो फिर बड़ा खूबसूरत सा लुक आ जाता है अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यस, मुझे ग्लिटर्स में सबसे अच्छा ये पैलेट ही लगता है, बिकॉज के बहुत अच्छा हाथ में आ जाता है एंड कोई ग्लू वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, दीज आर माई स्पंजेस गाइज, सो अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट जज मी, मैंने पहले ये प्लास्टिक्स में रखे हुए थे, बट देन आई एम टू लेजी टू मतलब टेक आउट फ्रॉम द प्लास्टिक्स, सो मैंने ये अभी फिलहाल ऐसे ही डाले हुए, बट आई मेक श्योर टू क्लीन इट वंस इन अ वाइल। सो दीज आर द टू, व्हाट डू यू कॉल देम, मैं इसको भूल गई हूं, क्या हो गया मुझे, ब्यूटी ब्लेंडर्स गाइज, सी I'm bad, but I'm not a makeup artist or mua, so it's allowed. अच्छा guys, उसके बाद ये face powder just to set my foundation. Foundation के बाद मैं ये लगा लेती हूँ अपने face पे, अपने shade color के मुताबिक, आप अपने shade के मुताबिक face powder लीजिएगा, compact powder, face powder. Sometimes I use this as well. This is banana powder. Banana powder मैं अपने eyes के नीचे, मतलब कि just to bake. ये भी baking के लिए होता है. आप अपने eyes के नीचे लगा सकते हो and अपने makeup को जरा वो कर सकते हो. वो 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 वो. I think permanent. Yeah. अच्छा guys, I don't use primer. I use aloe vera gel. So I don't know if के primer ही बहुत अच्छा होता है, but मैंने सुना है कि aloe vera gel भी चल सकता है. सो आई यूज दिस एलोवेरा जेल, जो आपको बड़े आसानी से दराज से मिल जाएगा, सो आई यूज दिस एलोवेरा जेल. अच्छा तो मेरी ब्राउज बनाने के लिए मैं यूज करती हूं ये. ओके, दिस इज चैनल का आईब्रो पैलेट, चैनल का आईब्रो पैलेट. इसमें ब्लैक शेड है, ब्राउन शेड है. आई डू माई ब्राउज विथ दिस एंड उसके साथ ये वाला ब्रश मैं यूज करती हूं, ये पतला सा ब्रश. तो आई डू दिस विद माई ब्राउज, ये मतलब रेगुलर डेली बेसिस के लिए. अच्छा, देन आई हैव अ टेल्कम पाउडर, मतलब ये टेल्कम पाउडर भी है मेरे ब्यूटी बॉक्स में, इफ आई नीड इन केस. सो ये छोटा सा मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है फॉर द आईज, समटाइम्स आई यूज दिस, वरना बड़े वाले से ही काम चला लेते हैं. दिस इज वन स्टार ब्यूटी ब्लेंडर एंड दिस इज गाइज एक फाउंडेशन विच इज कवर गर्ल की ट्रू ब्लेंड मैट मेड फाउंडेशन. तो ये मेरा भाई लाया है मेरे लिए, लाया था एक्चुअली, बट मैं ये यूज नहीं कर रही. ये है तो बहुत अच्छी, स्टे भी बहुत ज्यादा करती है, बट ये मेरा शेड नहीं है, वो मेरा शेड नहीं लाया ये, मतलब कि मुझसे डार्क है. सो अगर मैं डार्क लगना चाहूं तो मे बी आई कैन यूज इट
बट आई डोंट ऑन अ डेली बेसिस आई डोंट यूज दिस. अच्छा तो गाइज अभी मेरे पास एक लिक्विड ब्लशर है, ठीक है. ये है लिक्विड ब्लशर जो कि है वाटर प्रूफ और ये है पता नहीं हुजिया ब्यूटी या क्या जो भी लिखा हुआ है. तो ये है लिक्विड ब्लशर, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था. सो थोड़ा सा अगर नेचुरल ग्लो चाहिए, वो पाउडर वाला ग्लो नहीं चाहिए, तो मैं ये लगा लेती हूं. देन कुछ मेरे पास ये है जिनको हम कहते हैं लिप ग्लॉस. तो ये काफी सारे हैं एक्चुअली. इसमें से दो तीन काशीज के हैं और बाकी नॉर्मल ब्रांड्स वगैरह के हैं. एक मैंने वो लिया था, मतलब कि ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, उसको कलर डाल के मैंने बनाया था. तो दीज आर माय लिप ग्लॉसेस जो कि कभी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, कभी मैं लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ. सो दीज आर द लिप ग्लॉसेस. देन आती है लिपस्टिक्स की बारी गाइस. सो विच गर्ल वुडंट वॉन्ट टू हैव लिपस्टिक, मतलब के ये लैक्मे की 925 लिपस्टिक है जो कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं और जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूं. आई एम शोइंग यू द शेड, ये वाली. तो आई थिंक लोकल है, आप लोगों को कहीं से मिल जाएगी तो आप ले लेना. देन आई यूज दिस रोमांटिक मे की मैट लिपस्टिक है. ये रोमांटिक मे मैट लिपस्टिक इन द शेड रेड. तो जब रेड शेड का मूड हो तो एक ऑरेंज हो गया, एक रेड हो गया. एंड या मोस्टली दैट्स इट. ये एक ग्लेसिंग वाली लिपस्टिक है मेरे पास. आई थिंक ये लक्षियस ब्रांड की है. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, अगेन ग्लॉस वाला. अच्छा गाइज, आजकल मैट लिपस्टिक बहुत चल रही है, बट आई रियली लव ग्लॉस वाली लिपस्टिक्स, ग्लेजिंग वाली लिपस्टिक्स जो आपके लिप्स पे आती हैं तो बहुत ग्लॉसी और ग्लेजिंग वाला इफेक्ट देती हैं. मुझे वो ज्यादा पसंद है टू बी ऑनेस्ट. एंड ये मिस रोज की एक ये वाली लिपस्टिक है जिसमें पीछे लाइनर है एंड आगे ये लिपस्टिक है. समटाइम्स आई यूज दिस फॉर न्यूड शेड, मैं ये यूज कर लेती हूँ. ये भी मिस रोज की है, बहुत अच्छी. मिस रोज के कॉस्मेटिक्स गाइज बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छे हैं. रिवाज एंड मिस रोज, दीज आर गो टू ब्रांड्स. इफ यू डोंट वॉन्ट टू हैव अ गुड बजट, आई हैव अ ग्रेट बजट फॉर योर मेकअप स्टफ, देन यू कैन हैव इट फ्रॉम मिस रोज और रिवाज. आई एम नॉट सेइंग दे आर चीप, बट दे आर गुड ऑल्सो. कि मतलब प्राइस भी ठीक है. एंड एक ये लिपस्टिक है मेरे पास, ये है फेमिना की लिपस्टिक है. ये फेमिना ब्रांड की और ये मैं बहुत कम लगाती हूँ. हालांकि ये भी ग्लॉसी टच देती है, बट आई डोंट लाइक दिस शेड. तो अभी बहुत नीचे बॉक्स गंदा गंदा सा हो रहा है बिकॉज आई थिंक कोई पाउडर गिर गया है अंदर, उसको भी क्लीन करना है. देन ये लिप पेंसिल्स है मेरे पास. मैं रखते इस तरह से हूं ना कि सब कुछ ऊपर का लिखा हुआ मिट जाता है. सो लिप मतलब कि लिप लाइनर्स ऑब्वियसली व्हेन यू वांट टू लाइन योर लिप्स. तो अच्छा हाँ, मेरा ये तो आपको मैं दिखाना ही भूल गई. सो मोस्टली आई यूज दिस वॉटर प्रूफ नो एनिमल प्रोडक्ट का ये काजल है. मोस्टली क्लोसिल काजल वगैरह, इस टाइप के काजल आई यूज मोस्टली. ये पेन टाइप के जो काजल होते हैं ना, जो कि पेंसिल टाइप के नहीं होते, जो कि चुपते नहीं आंखों में, मोस्टली आई यूज देम. तो ये बहुत स्मोकी और बहुत डार्क काजल का इफेक्ट देते. सो आई लाइक दिस. मैं नीचे कोशिश करती हूं ये व्हाइट वाला लगा लूं. समटाइम्स ब्लैक भी लगा लेती हूँ, बट मोस्टली नीचे ये व्हाइट वाला लगाती हूँ, ऊपर ब्लैक वाला लगाती हूँ.
सो ये दोनों पेन वाले हैं, मतलब कि इस तरीके से ये ऊपर और नीचे जाते हैं. सो दैट्स इट. बस कुछ ब्रशेज हैं बाकी. सो गाइस, दिस इज ऑल्सो अ पैलेट दैट आई यूज. इट्स नेक्ड 5 का पैलेट. इसमें ये प्रिटी प्रिटी शेड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं. कुछ ग्लिटर हैं, कुछ मैट हैं और बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं. इवन दो कि मेरे पास जो कुछ मैंने आपको दिखाया वो सब है, बट आई स्टिल नीड अ कलर करेक्टर, क्योंकि मुझे आज रिसेंटली पता चला है कि जो फाउंडेशन वगैरह जो आपकी ग्रे हो जाती है, अगर आप अच्छे से कलर करेक्ट करेंगे ना तो वो नहीं होएगा. तो अगर आप चाहो तो आप भी कलर करेक्ट कर सकते हो. सो ऑरेंज एंड ग्रीन, ग्रीन फॉर द रेडनेस एंड ऑरेंज फॉर द डार्कनेस. एंड यू कैन गो अहेड एंड परचेज, मुझे भी लेना है, सो आई विल बाय दैट. सो यस गाइज, और ये एक लिप ग्लॉस रह गया था जो कि स्वीट फेस का है. स्वीट फेस का ये बहुत स्वीट कलर है. दिस इज द शेड, दिस इज द शेड. सो या गाइज, दीज आर द, अच्छा मैं क्या लगा के दिखा दूं आप लोगों को, ऐसे मेकअप किया मैंने, ऐसी लिपस्टिक लगाऊं भूत ना लगूं, बट स्टिल चले मैं लगा के दिखाती हूँ. थोड़ी सी हर जगह पे लग गई है, हर जगह पे मीन्स के साइडों पे. अच्छा मैं ये मिरर यूज करती हूँ, सिंपल नॉर्मल मिरर, नो लाइट्स मिरर, नॉर्मल सिंपल सा मिरर. ओके गाइस, सो यस दैट्स इट. यही सब कुछ है मेरे वैनिटी बॉक्स में. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर to like the video, subscribe to my channel and share it with your friends and family. Guys, मैं मिलूंगी आपको next video में. अगर आप लोगों को मुझसे बात करना अच्छा लगता है तो please you know the drill, guys. So we will meet soon now. अब मैं back to back videos करूंगी, so we will meet soon in the next videos. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.